हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना चैनल सेट स्टडीज में। फ्रेंड्स, घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग किसान आंदोलन और किसान सभा और ट्रेड यूनियन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास का क्रमवार और सिलसिलेवार ढंग से अभी तक हम लोग प्रश्नों को देखते आ रहे हैं, जो कि प्ले लिस्ट में लिस्ट वाइज लगा हुआ है। तो आप नए हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी करिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? आंसर बी, बिजोलिया। प्रश्न गत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों में यूपी किसान सभा का स्थापना हुई। नाई धोबी बंद सामाजिक विकास का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा आंदोलन, जिसे नवीन जाति के लोगों को उद्धार हो सके। जमींदारों गांवों को नवीन जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। नवीन जातियों द्वारा ठेकेदारों को विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। नाई धोबी बंद सामाजिक, तो आंसर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 के अंतिम दिनों में किसान की संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन के बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन का अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? आंसर ए, अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती, बिहार। खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? आंसर बी, स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष इन्हें ही चुना गया। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर डी, लगान का नकद में परिवर्तन। एक्का आंदोलन 1921-22 के नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी।
किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र अध्यक्ष किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर ए स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र से समस्याओं में विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आंसर ए 1936। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के जाति आंदोलन, बिहार किसान आंदोलन, बिहार का मजदूर आंदोलन। आंसर सी बिहार का किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले या बहुत कम उम्र में, या 1930 या 1920 में। आंसर उनके मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। 3-6 जुलाई 1948 को अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संविधान अंगीकार किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी, अतः स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सियरदास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। आंसर ए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। मिलान कीजिए। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान विद्यालय, एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक। बकास संघर्ष, सहजानंद सरस्वती। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को प्राप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों को 1922 से ही निरंतर अभियान चलाए रखा था। 1928 में यह कृषक आंदोलन के नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। वर्ष 1937 में फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बकास स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दत्ता का अंत, डी कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। आंसर ए। सितंबर 1946 में बंगाल का प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए तथा शेष दो तिहाई हिस्सा
बटाईदार हुआ हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किया। आंसर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किसने दी? आंसर ए महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर ए आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि के स्थानगत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों को रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन का एक नया रूप धारण किया, वह था ग्रामदान का। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुआ और वहाँ यह सफल रहा। आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन के क्रम में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसमें संबंध है उससे संबंध था? उदयगिरी, रायपुर, पचमपल्ली, वेंकटगिरी। आंसर सी पचमपल्ली। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ का स्थापना की। आंसर बी वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। आंसर ए महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 के बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ वेब टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इसी समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर ए 31 अक्टूबर 1920। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की अध्यक्षता किसने की? आंसर ए जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की अध्यक्षता की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, ए एस डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए एम एन राय। कम्युनिस्ट
इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमिर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम एन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए तस्कंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह की मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तस्कंद में आंसर डी एम एन राय। 17 अक्टूबर 1920 में एम एन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार सही उत्तर डी होगा। कानपुर मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी, क्रांतिकारी। आंसर सी साम्यवादी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक पर्यंत का आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर पर्यंत के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम एन राय, श्री डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों को समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच सी वेल्स, लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आंसर सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमालो तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1945-45, 26-47, 18-26, 14-18। आंसर बी 1926-47। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926-47 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। आंसर बी एम एन राय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना एम एन राय ने की थी। अजीत राय एवं इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी। संत सचिंदर सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी समाजवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। आंसर बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सुमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार हम लोगों ने किसान सभा और ट्रेड यूनियन के सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए। तो अब अगला पार्ट हम लोगों का रोलेक्ट एक्ट और जलियाला बाग हत्याकांड 1919 का होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हो सके तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।